ज्ञान की वाणी ईश्वर बढ़ावे तुम्हारे यश और प्रताप को। रानी कहिए महाराज। दासी ने बताया कि रानी की ज्यादा तबीयत खराब है, दरबार बंद करके जी महाराज आपके पास आया। तेरे होठ पपरिया मुख पे जरदाई, गोरे से बदन पे मेरी दुल्हन फिर रही है। कैसी रही है उदासी छाए, अरे नार प्राणन की पतली मेरी प्यारी, अरे दिल के बताए दिए हाल बिटलिया देवन वाली। कुछ पता है मेरे लिए जी? मालूम है सो आपके लिए बताया हूँ। क्या? नरवर में राजपाट अच्छी तरीके से चल रहा है, माता पिता गंगा के स्नान करने के लिए गए हैं। अच्छा। भेड़ बकरिया एक घाट पे ही पानी पी रही है, कोई कान हिलाने वाला नहीं। और कुछ नहीं पता आपके लिए? और मोहना वाले सुनिए महाराज, मैं आपके लिए बताती हूँ। अरे तू तो वाला मुनर बर पे जुलमा अरे गुजर गए पिया मेरे, बादल गंगा फाटे गए, अरे साजन हो गई है गजब की गंगा बात। बता दइए प्यारी अपने बलवा को, ओरे तेरे कैरी गले के रसिया। माँ पिता दे खुशी की बात है, प्रिय तुम्हें रही सब जाई रे, अरे गंगा मेरी ना उन्हें ना है देखो सांच रही बतिलाई रे। दे दे अरे करा के बलम वो ले गो अरे पंजाबी, अरे गंगा मैया को मिली है नहान को।
मंगल में तेगा पूजो मेरे चाचा फिर धमको हाँ महाराज ऐसो अरे कौन मेरी प्यारी जगत अरे दुनिया में ओरे मेरी मैया की करे बुदला हुआ चाचा जी का बता कोई ऐसा सूरमा नहीं है जो चाचा जी की लड़ाई उठ सके ते गए अरे लड़ाई में प्यारे चाचा गंगा जी ते अरे उनकी जादू से बसाई ना गंगा पार पंजाबी की बेटी रे सरबतिया ने जादू चलाए के फौजे पत्थर तारे गई अरे डंडा मैया बबुला के लय हाँ महाराज कहिए कि आप महलों में रहती हैं जी मैं बाहर रहता हूँ हाँ। मगर हमारे लिए अभी तक इस बात की मालूमात नहीं हुई कि हमारे माताजी की और पिताजी की कैद हो गई है तेरे लिए और महल में कितने बताए दे ठीक है सुनिए मैं आपके लिए बताती हूँ हाँ। जगत दुनिया में नहीं है कोई पिया अपना दुर्गे मैया ने पिया दे दो को सपना सजना है सपने की पिया बात अरे ठीक बता रही पिया नर भरवारे रंग रसिया है सब सपने की पिया बात अरे तुम्हें ठीक बतला रही महाराज सपने की बात है दुर्गे मैया ने मुझे सपना दिया है शैलेंद्र यादव दूध वाले ये 50 रुपया मालिक के महोचे में दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद एक बात बताए वैसे ही तूने कहा तूफान बांध रही है इतनी बात तो मैं पहले ही बताई देती कि मैं सपने देखे सपने कभी सच्चे नहीं होते हैं देखते देखते सपने में इतना बड़ा हो गया आज तक कोई सपना सच्चा नहीं हुआ अरे सपने कुल बिल्कुल सब झूठे होते हैं नहीं महाराज मेरे सपने सच्चे हैं यानी तेरे सच्चे और हम देख रहे हैं वो सब गलत हैं गलत हैं आपके तो मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकता तेरे सपने का कैसे विश्वास करोगे महाराज अगर कोई और बात हो तो उसे बताओ तो मैं साबित मान सकता हूँ और ऐसे नहीं मानूंगा कि सपने में देखा है जो पति सपने पिया झूठे तुम मानो ₹50 श्रीपाल कसवा ठिरिया के रहने वाले दासी भेज दे ब्रह्मपुरी को ओ सजना नैयापुर हद का बुलावाए सपने में पिया पंडित जी आए गए रंगे रसिया दासी तैयो तुरत पठाए पिया मेरे ब्रह्मा जी को ये बात तेरी सही है इसे मान सकता हूँ अब मान का सपने के लिए तू बैठ और मैं दासी भेज के पंडित को बुलवा के तेरे सपने की अजमाश करूंगा तब बात होगी हमारी ठीक है महाराज ठीक रानी का प्रणाम हाँ ईश्वर बढ़ावे तेरी ईश्वर प्रताप को ये ₹10 का पुरस्कार कामली मालिक के महोचे में दान करती है बहुत बहुत धन्यवाद और ₹20 सूरजपाल सिंह ये मालिक के महोचे में दान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद
देखिए राजा नल ने पलकी ना देर लगाई, दासी भेज के पंडित और नरवर में लए बुलाई। पंडित जी को बुला लेते हैं, देखिए ये तो खाम खाई की बात है कि दासी गई और नौकरों जे तो टेम काटन वाली बात है। पंडित महाराज और नरवर में आ जाते हैं, राजा नल से क्या बातचीत होगी सुने और समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जयशंकर की नहीं करी जाती है, आप गंगा के स्नान करके और ब्रह्मपुरी आ गए, मगर नरवर में आके तुमने हमारे मात पिता के कोई हालात। महाराज मैं आने कोई था तो तक तो वो बांदी पहुंच गई, मैं डोर समझ ले। 14 दिन अरे बीते मैया को, 14 गंगा घाट की रे। अरे मोए गंगा के बताए देव पंडित हाल रे, कैसी कैसी गंगा नहाई। अरे मैया ने अरे जी हाल बताओ गंगा घाट के। यानी आप पूछना चाहते हैं कि मेरे माता पिता गंगा स्नान करने के लिए गए, हाँ, और तुम भी मेरे माता पिता के साथ गए गंगा नहाने के लिए, हाँ। देखिए आपके माता पिता मेरे साथ गंगा नहाने के लिए गए थे, तो जाकर के राजा प्रथम ने और डेरा गंगा घाट पे लगवा दिए। अच्छा। और कहने लगे जाकर के ढोल की पिटवाई कि मेरी रानी मंझा से पहले कोई स्नान करेगा वो 5,000 रुपये जरिमाने के पाएगा और जेल नरवर की जाएगा। उधर से कोट कंपल से आया फूला जाली, दिन को लड़ते हैं रुंड रात को लड़ती है काली, मार मार के खड़ करता है खाली। उसने भी आकर के और गंगा घाट पर डेरा लगा दिया। उसने कहा कि लगाओ मेरी बेटी सरवती से पहले कोई स्नान करेगा तो वो कोट कंपल की जेल जाएगा, 10,000 रुपये जरिमाने के पाएगा। लेकिन महाराज कहा वो वहां बातन बातन बतबर हो गई, और बातन में पड़ गई रारे, रारे के ऊपर गारी दे दई। सुन राजन गारी दे तबजी तलवार, अरे बा गंगा घाट पे ते गलाई चाचा ना हारे, और जादू से बिछाई ना पारे, चतुरा पिटरिया पंजाबी की। मेरे राजन जादू फौजन पे तो चलाए, सब फौजे पत्थर कर दें। डंडा बांध ले पंजाबी के, तो इको बन गो अरे आधी ने, अरे पिटरिया सरबतिया ने, मेरे राजन पूरी जादू दैया चलाए, फौजे सब पत्थर कर दें। बात में सरबती ने जादू से सब पत्थर कर दई फौज और कोट कंपनी के लिए और आपके मात पिता को शंकर की जेलों में ले गया। प्यारे सज्जनों जो बात रानी ने बताई वही पंडित बता रहे हैं।
नल को विश्वास हो जाता है कि मेरी रानी के सपने सच्चे, पर पंडित की बात में शक है। वो कौन सी? कहता है तेज लड़ाई चली, चाचा जी ने पंजाबी की फौजें मार मार के गारत कट दी, खूनों की नदियां बहा दी, कैद कर लिया पंजाबी को। जब सरवती ने देखा जादू चलाई, नरवर की फौज सब पत्थर बनाई, जाई बात में ऐद, मात पिता की गंगा घाट पे करा ली पंजाबी ने कैद। जब सब जवान पत्थर है गए, तो जो पंडित वो नहीं फौजन में था, ये कैसे बचा? ये बात पंडित से पूछनी चाहिए। ए पंडित, एक बात बताओ, कौन सी रह गई? तुम कहते हो तेग लड़ाई भाई, चाचा जी ने पंजाबी की फौजें मार के गारत कर डाली, पंजाबी को कैद कर लिया। जब कैद करके मार लगाई, तो पंजाबी ने कहा अपनी बेटी से कि बेटी तेरी जादू बाहर में जाए, आज मेरी कैद हो रही है और पिटवा रही है। पंजाबी की फौज बेटी ने जादू चलाई, नरवर की सब पत्थर फौज बनाई, जाई बात में ऐद, गंगा घाट से करा के ले गई गढ़ कंपिल को कैद। फिर तुम तो भाई फौजन में, तुम पत्थर करना भाई? जो बात सही है, हम भाई में ही अब तो कितु के नारे आडिया सही होनी चाहिए बिल्कुल महाराज। हाँ, के देखिए जिस समय और गंगा घाट पर जादू चलू, तो हम तो लोटा में आग धर के, आग लेके या पानी, पानी लेके जंगल की ओर गए और एक झुंड की आड़ में लैटरी करने को बैठ गए। तुम्हें पता है महाराज, लैटरी करते पे जादू चलते ना, अगर हम ना बचते तो नरवर में खबर तुम्हें कौन दे तो भाई, समझ में? ये बात है। हाँ, तेरी बात है, समझ गया, समझ गए। पंडित की प्रीत से, पंडित की प्रीत से नेताजी बफा ना पायो कोय, एक दिन राजा हरिचंद दये छनक में खोए, चोरी गई जनक दुलारी, हनुमान ने करी पलंका की तैयारी, अरे गंगाधर पंडित ने बन को भेजी मेरी जनमन। एक दिन पंडित ने मेरी महतारी की बनोवास रखवायो, आज गंगा के स्नान करने के लिए साथ गया, कैद कराया है पंडित। कहिए साहब, अरे क्यों करता है हांसी तू, क्यों करता है हांसी? अरे कैद कराई मैया की भाई, तो ये लगे कि हांसी। अरे कह रहा हो भस्मा भीष, कह रहा हो भस्मा भीष, नरबर में नाय बचे तिर भुंटा तोड़ाए दीस। जाते पंडित फांसी लग जाएगी, ए मेरे भैया तेरो कोई बच भैया, नहाए सुनो जा नरवर गढ़ में। महाराज, आप कहते हैं जन बच्चा तो फांसी लगेगी, एक बात बताइए। हाँ, हाँ, हाँ। आप छत्री हो? बिल्कुल, यानी छत्री हो बिल्कुल, और क्या? तो महाराज आप गौ के लिए क्या मानते हैं? गौ माता मानते हैं। तो तुम हमें गौ माते करके बकसते हो? अच्छा, हाँ ठीक है, तुम गलती तो तेने वैसे काफी करी है। वो तो बात सही है, गलती करिए काफी, गुना माफ है जाएंगे तो हमको मिल जाएगी माफी। तुम राजा हो तब है नरबर बारे, न्याओ हाथन से तैयो करबाए, जा में गलती ना है रे पंडित की, सुन राजन गलती करियो पंडित की, माफ आज जा शेर नर बरनी।